हेलो दोस्तों, आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि प्राण जाए परंतु वचन न जाए। इस कहावत से मोटिवेट होकर एक डायलॉग बनाया गया कि प्राण जाए लेकिन पल्स न जाए। जी हाँ, आपने टीवी एड्स में इस डायलॉग को जरूर सुना होगा। आखिर कुछ तो खास बात होगी इस पल्स में, तभी कंपनी दावा करती है कि प्राण जाए लेकिन पल्स ना जाए। वेल आपका तो पता नहीं, लेकिन पल्स कैंडी मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है, इसीलिए आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पल्स कैंडी की मैन्युफैक्चरिंग को, किसे फैक्ट्री में किस तरह प्रोसेसेस किया जाता है। दोस्तों, पल्स कैंडी के लिए रॉ मटेरियल में शुगर, लिक्विड ग्लूकोज सिरप, सिट्रिक एसिड एंड फ्लेवर का यूज किया जाता है। लेकिन इसमें एक और चीज काफी खास है जो इसे पॉपुलर बनाती है, वो है जल जीरा का टेस्ट, जो कि इस कैंडी के टेस्ट को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देता है। सबसे पहले बट डीढ़े से टैंकर में ग्लूकोज को डाला जाता है, तो उसके थोड़ी देर बाद इस कंटेनर में ही चीनी को ऐड किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें थोड़ी वायर को भी ऐड किया जाता है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए इन्हें गर्म करके पिघलाया जाता है। अब ये कैंडी अच्छी तरह से पिघल चुकी है। अभी स्वीट सिरप को एक बड़े से प्लेटफॉर्म पर उड़ेल दिया जाता है। उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ डज दिया जाता है। जब इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो इसमें कलर को ऐड किया जाता है। कलर ऐड करने के बाद इसे कुछ देर तक मिक्स किया जाता है। इसमें खट्टेपन के लिए सिट्रिक एसिड को भी ऐड किया जाता है। इसके साथ ही हम सबकी फेवरेट फ्लेवर कच्चे आम को भी इसमें डाला जाता है। इसके बाद इसे हाथों से कुछ इस तरह गोता जाता है। अब कैंडी के कलर और फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए, इसके साथ इन्हें कैंडी जैसा हर्ड बनाने के लिए, जिसकी अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग की जाती है, इसके लिए वर्कर अपने हाथों से ही काम को करते हैं। सबसे पहले वर्कर कैंडी के इस मिक्सचर को एक खूंटे में टांग देते हैं, उसके बाद इसे हाथों से खींचते हैं। अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग हो जाने के बाद इसे निकाल लिया जाता है। इसके बाद एक बार फिर से इसे हाथों से गोदा जाता है। इसके बाद इसके लंबे लंबे रोल तैयार कर लिए जाते हैं, जिसे इस खास मशीन में डाला जाता है। इसी मशीन के जरिए इस कैंडी के रोल के भीतर बीच में जलजीरे की एक पतली लेयर भी डाली जाती है, जो कि आगे चलकर ये कैंडी कटर मशीन में चली जाती है, जिसमें इन कैंडी को अच्छे से कैंडी के शेप में काटा जाता है। इस कैंडी को अलग करने के लिए एक स्पेशल मशीन से गुजारा जाता है, जो कि इस कैंडी को सुखाकर अलग अलग कर देती है। अब इस कैंडी को पॉलिश करने के लिए इस घुमावदार वाले कंटेनर में घुमाया जाता है, जिसकी मदद से ये अच्छे से पॉलिश हो जाती है। अब इसके बाद हमारी जानी मानी कैंडी रैपर में इसको पैक कर दिया जाता है। हमारी पल्स कैंडी पूरी तरह से तैयार हो चुका है, अभी आप मार्केट में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।